श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आज हम उन पौधों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो दीपावली से पहले इन पौधों को घर में लगाकर लाभ पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में प्रकृति में सम्मिलित सभी चीजें पूजनीय होती हैं। हर देवी देवता से जुड़ा कोई एक पेड़ उनका स्वरूप माना जाता है। बात करें पौधों में लक्ष्मी जी की, तो उनसे जुड़े कुछ पौधे हैं जिसमें उनका वास होता है और इस कारण वो उनका स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसे कई पौधे बताए गए हैं और उनके पीछे अलग अलग धारणाएं भी हैं। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और ये समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का है। तो आइए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। नंबर एक, तुलसी का पेड़। हिंदू धर्म में जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप में सबसे पूजनीय पौधा है वह तुलसी का पौधा है। इसका पौधा आपको प्रत्येक लक्ष्मी उपासक के घर में लगा दिख जाएगा। तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो मान्यता के अनुसार कुछ और भी पौधे हैं जो माँ लक्ष्मी के रूप माने गए हैं और उन्हें घर में लगाना शुभ माना गया है, लेकिन विशेष रूप से तुलसी का पौधा घर में लगाना धन संपदा के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पेड़ होता है उस घर की सुख संपदा सदैव दिन पर दिन बढ़ती रहती है। जिस घर में नित्य तुलसी के पौधे की पूजा होती है उस घर में धन की कमी नहीं रहती है। नंबर दो, क्रासुला का पेड़। मान्यता है कि क्रासुला का पौधा लगाने से घर में धन का आगमन होता है और धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है। इस कारण से क्रासुला के पौधे को माँ लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। क्रासुला का पौधा धन को आकर्षित भी करता है। यह पौधा घर में धन आगमन के साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। नंबर तीन, कनेर का पौधा। तुलसी के अलावा कनेर का पौधा भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप कनेर का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो लाल और पीला सबसे शुभ माना जाता है। कनेर का पौधा विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रिय है। मनोकामना पूर्ति के लिए कनेर का पीला फूल मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कनेर के पेड़ में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट से पूर्णित रहें और जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।